सभी देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं पायल शर्मा। आपने अक्सर सुना होगा कि दहेज ना मिलने से दूल्हे ने शादी के लिए इनकार कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक अजीबोगरीब मामला ही सामने आया है, जहां जयमाला कार्यक्रम के दौरान दूल्हे की अजीब हरकत को देखकर दुल्हन ने दूल्हे के ऊपर जयमाला फेंकी और खड़ी हो गई। ये तो कभी दूल्हे ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके एक साधारण से मैथ टेस्ट में फेल होने से उसको इतनी बड़ी सजा मिलेगी, जिसे वो ता जिंदगी नहीं भूल पाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं जोड़ियां आसमानों में बनती हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो जोड़ियां बनते बनते टूट जाती हैं, वो कहां बनती हैं? ये सवाल भी शायद दूल्हे के मन में एक बार तो जरूर आया होगा। मामला यूपी के महोबा जिले का है, जहां दूल्हे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक साधारण मैथ टेस्ट में फेल होने की वजह से उसकी शादी टूट जाएगी। बीते शनिवार की शाम दूल्हा अपनी बारात के साथ शादी के मंडप में पहुंचा। दुल्हन को उनकी शिक्षा के बारे में संदेह था, इसलिए दुल्हन ने जयमाला डालने से पहले दूल्हे को दो का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा। दूल्हा पहाड़ा सुनाने में विफल रहा, जिसके बाद शादी को रोक दिया गया। ये एक अरेंज मैरिज थी और दूल्हा महोबा जिले के धवार गांव का रहने वाला था। दोनों परिवारों के सदस्य और कई ग्रामीण विवाह स्थल पर इकट्ठे हुए थे और सभी शादी के बारे में सोच रहे थे। तभी दुल्हन ने मंडप से बाहर निकलते हुए कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिसे गणित की मूल बातें पता नहीं है। वहीं दोस्त और रिश्तेदार भी दुल्हन को समझाने में नाकाम रहे। दोनों पक्षों के बीच पंचायत होने के बाद भी दुल्हन शादी को तैयार नहीं हुई, जिससे बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। वहीं लड़की पक्ष के लोगों ने थाने में तहरीर देकर वर पक्ष से शादी में हुआ खर्च दिलाने की मांग की है। खैर, इस मामले से ये बात तो साबित होती है कि भारत में वो दौर अब गुजर चुका है जब शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था और बिना कोई जांच परख के ही शादियां कर दी जाती थी। लेकिन जनाब, अब ये दौर नई सोच और उमंग का है, जो अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं करेगा। खैर, अब दूल्हे के दिल में कहीं ना कहीं ये बात तो चल रही होगी कि हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। अब वो खुद का अशिक्षित होना अपनी भूल समझे या फिर दुल्हन की जागरूकता, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।